great moment. And school day is a very difficult job for the teachers and the management. I appreciate for your effort to make a great day at this annual day. तमाम आए हुए बहनों भाइयों, मैं उर्दू में इसलिए बात कर रहा हूँ कि ताकि आप भी सब समझ सके। आज दुनिया में इल्म के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। इल्म सबसे पहले चाहिए, उसके बाद बाकी सब कुछ। तो आप तमाम सही काम कर रहे हैं अपने बच्चों को इल्म देने से। इल्म देने का जो काम आप कर रहे हैं, इससे बढ़कर दूसरा काम आपके सामने नहीं है। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि 21st सेंचुरी इसे फेस करना, तो हम प्रिपरेशन करना है, हमें तैयारी रहना है। इसका तैयारी यही है, हम इल्म का जानकारी हमारे पास रहे। आज हम देख रहे हैं हमारा कौम, स्पेशली गरीब लोग ज्यादा मुसलमानों में ही मिलते हैं। गरीब लोग हर एक है, लेकिन मुसलमान ज्यादा गरीब मिलते हैं, क्योंकि हम इल्म के ऊपर तवज्जो नहीं दिए, हमें कोशिश भी नहीं करे इल्म हासिल करने का। आज बहुत बड़ा बदलाव आए हैं, हमारे लोग इल्म हासिल करने का कोशिश भी कर रहे हैं, हमारा लोग इल्म देने का भी काम कर रहे हैं। तो मैं दोनों को मुबारकबाद देता हूँ। Diamond English School, I heard lot about Principal Madam. I heard she is doing a wonderful job. I appreciate and congratulate you for that, Madam. Whatever best you are doing. And आजकल आप टीवी देखें तो मेरा ही न्यूज आ रहा है पूरा टीवी में। मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, फिर भी इतना लोगों के सामने आने के बाद बात नहीं करे तो आप भी सोचेंगे क्या है, कुछ नहीं बोले करके। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता हूँ शांति नगर, आपसे थोड़ा दूर हूँ, लेकिन आपके आप जहाँ रहते हैं अरब नगर में, मेरा बहुत सारे दोस्त लोग रहते हैं और बहुत सारे मुझे पहचान भी है आपके एरिया में। पॉलिटिक्स ऐसी चीज है, कब किसको गिराता है, कब किसको उठाता है, अल्लाह को ही मालूम है। हम इसका कोई टाइम फिक्स नहीं कर सकते, और जो भी हो रहा है ऊपर वाले का ही मर्जी से होगा, हम इंसान कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं भी तवक्कल तो अल्लाह, सब उसके हाथ पे छोड़ कर बैठा हूँ, इंशाअल्लाह जो होना हो जाएगा। लेकिन मेरा फर्ज से हटकर मैं नहीं भागता, इसलिए आज इधर आया हूँ, क्योंकि हर एक को, वो भी स्कूल फंक्शन है तो सबसे पहले मैं रहता हूँ। तो हमें इल्म हासिल नहीं किया तो हम आगे नहीं जा सकते, हमें दुनिया को समझ नहीं सकते हैं, ना हम दुनिया को समझा सकते हैं। तो आप लोग अपना बच्चों को अच्छा पढ़ाइए इंशाअल्लाह, लेकिन पढ़कर आगे आएंगे, बढ़कर ऊपर जा सकते हैं, काम अच्छा कर सकता है जिंदगी। क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरीके से अपना लोगों का जिंदगी गुजर रही है, बहुत तकलीफ है, लेकिन इससे हटकर आगे आना है। गरीबी हालात है, इस सबको हटकर आगे आना, तो इल्म के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो इंशाल्लाह तमाम का कोशिश कामयाब हो। एंड एज दिस इज एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, आई वुड आल्सो लाइक टू एड्रेस अदर पेरेंट्स हु आर हियर अदर देन मुस्लिम्स आल्सो। आई एम श्योर इट्स अ सेक्युलर स्कूल, and every Muslim and every person in this country need to be secular. There's no doubt about that. We all have to be proud being Indians, because as Indians we are brothers and sisters, we live together, we enjoy everything, whatever is available, the freedom in this country and the independence of this country is fought together by each and every Indian, and that is what we are enjoying today. So secularism has to be spread and it has to be upheld. I am sure Diamond English School is doing that. All the teachers, faculties, you should spread the brotherhood of Indian, and each one of us should be proud to be Indian, which is very important. I personally am very proud being an Indian. That is the only reason why we are being liked by each one. And as brothers and sisters, let us do good things. Let us build a better society. Let us become good human beings. Let us love each other, let us take care of each other, let us help each other, which is very important. We need to be good human beings. Who are good human beings? We find a lot of people
born like us, they look like us, but they are not human beings. They only have and they look like us. But you need to be a good human being is by helping each other. It may be anybody. Every religion preaches about helping each other. No religion talks about helping your own person. That is the greatness of every community and religion, which we need to understand. So let us respect each other. Let us help to grow together, which is very important. And each one of you, the parents here, please educate. Build the confidence in your children, which is very important. Your child needs to build that confidence. He needs to understand he can do it. Until unless the child does not have the confidence, I'm sure he cannot achieve. The world only likes winners. Losers are always set aside. The winners are liked by the world. And every child has to be a winner. That is very important. The child cannot achieve and become a winner, then it is not good for the child and the parent. So I am sure each one of you will give that confidence for the child to achieve and make it happen. With this, I am sure there will be a long hour for you, a lot of cultural programs. I am sorry, generally I don't do this. I see one or two culture programs, then I talk. Today I have a lot of other functions and programs. I am forced to do this. Generally, I appreciate watching few cultural programs, encouraging the children. They put in a lot of effort, the school management put a lot of effort to make an annual day. So I am sure you would have put a lot of effort and would have wonderful programs happening here. I wish all the best to all of you, and I appreciate the management, school, teachers and the parents for being here. Thank you. Jai Hind, Jai Karnataka.